गले में नरमुंड की माला, खून से लथपथ जीभ, एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में राक्षस का कटा हुआ सर, माता काली के विकराल तथा भयानक रूप को दर्शाता है। स्वयं देवों के देव महादेव माता काली के पैरों के नीचे दिखाई देते हैं, जो यह दर्शाता है कि माता काली ही सर्वोच्च शक्ति हैं। एक बार उन्हें क्रोध आने पर महादेव के अतिरिक्त उन्हें कोई भी शांत नहीं कर सकता। इतना क्रोध होने पर भी माँ काली अपने भक्तों के साथ में एक प्यार भरा संबंध बनाए रखती हैं। इस संबंध में भक्त बेटा या बेटी का रूप ले सकता है और माता काली एक देखभाल करने वाली माता के रूप में होती है। आज जानेंगे कि माता काली की उत्पत्ति कैसे हुई और माता काली इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती हैं। माँ काली की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई, यह जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए जानते हैं माँ काली के बारे में। सभी देवियों में माता काली का ही एक उग्र रूप है। काली का शब्द काल से आया है और काल समय है। हिंदू धर्म के अनुसार माता काली को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जाना जाता है। उन्हें भयंकर और शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी काली में शक्ति का समावेश है, जो ऊर्जा, रचनात्मक और उर्वरता का प्रतीक है। मान्यता यह भी है कि माता काली का जन्म पापियों का नाश और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। दोस्तों, वैसे तो माता काली के जन्म को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित है, लेकिन आज हम माँ काली से जुड़ी आप लोगों को दो ऐसी कथाएं सुनाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार दारुक नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक स्त्री के द्वारा ही होगी, अन्य कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता। यह सुनकर राक्षस को लगा कि स्त्री तो साम्य सरल और कोमल हृदय की होती है, वह भला किसी को क्या मार सकती है। लेकिन वह यह बात भूल गया था कि जब जब अत्याचार बढ़ता है, तब वही स्त्री अपने उग्र रूप में आकर दुष्टों का संहार करती है। हिंदू धर्म में स्त्री को शक्ति रूप में प्रदर्शित किया गया है। माँ काली तो पूजनीय देवी हैं। माँ काली को क्रोध की देवी भी कहा जाता है, जो स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए दुष्टों का संहार करती हैं। माँ काली यह सभी को संदेश देती हैं कि स्त्री कमजोर नहीं है, जरूरत पड़ने पर वह अपने उग्र रूप में पापियों का सर्वनाश कर सकती है। और दारुक के साथ भी ऐसा ही हुआ। बता दें कि ब्रह्मा जी से वरदान पाकर राक्षस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने इसी बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया और उसने साधु संतों और सभी देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपनी शक्ति से सभी यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा कर बैठ गया। सारे देवताओं ने मिलकर उससे युद्ध भी किया, लेकिन कोई भी उसे जरा भी हानि नहीं पहुंचा पाया। फिर सभी निराश होकर वापस आ गए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि यह राक्षस सिर्फ एक स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। फिर सभी देवता भगवान महादेव के पास गए और उन्होंने दारुक के बारे में उन्हें बताया। इस समस्या के लिए महादेव ने माता पार्वती की तरफ देखा और कहा, हे जगत कल्याणी, जगत के कल्याण के लिए और उस असुर के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भोलेनाथ में प्रवेश करवा दिया। माँ भगवती का वह अंश भोलेनाथ के गले से प्रकट हुआ। तभी भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे एक भयंकर विकराल रूपी माता काली का जन्म हुआ, जिन्हें काली माता कहा गया। माता काली के इस रुद्र रूप को देखकर देवता व सभी राक्षस भयभीत हो गए। माँ काली का यह रूप इतना भयंकर था कि उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाया
और इस तरह से माँ काली ने सभी राक्षसों का अंत किया। महिषासुर, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज जैसे महाअसुरों का संहार किया। इन सभी का वध करने के लिए माता ने अलग अलग रूपों में अवतरित हुई और इन सभी राक्षसों में रक्त बीज सबसे शक्तिशाली असुर था, जिसका वध करना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। आपको बता दें, रक्त का अर्थ लाल खून से है और बीज का मतलब जीव से। इस तरह दोनों मिलकर होता है कि रक्त से उत्पन्न होने वाला नया जीव। रक्त बीज के बारे में यह कथा प्रचलित है कि उसने अपनी घोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर लिया। उसने यह वरदान प्राप्त किया कि अगर जमीन पर उसकी रक्त की एक भी बूंद गिरेगी तो एक नया रक्त बीज उत्पन्न होगा। रक्त बीज को अपने इस शक्ति पर बहुत ही अभिमान था, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन घमंड में चूर रक्त बीज ने सभी देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। सभी देवता रक्त बीज से युद्ध करने के लिए आ तो गए, लेकिन जहां से भी रक्त बीज का रक्त गिरता वहां से उसकी तरह एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हो गए, जिन्हें मारने का कोई भी रास्ता देवताओं को नजर नहीं आ रहा था। तब फिर सभी देवता घबराकर माँ पार्वती के पास गए और अपने प्राणों की भीख उनसे मांगने लगे। माता पार्वती ने रक्त बीज के वध के लिए माँ काली का रूप धारण किया। माँ काली रक्त बीज को मारने के लिए वहां पर पहुंची, तब उन्होंने अपने जीभ को लंबा कर लिया। अब जहां भी रक्त बीज का रक्त गिरता तो माँ काली उसे पी जाती। माँ काली ने रक्त बीज के एक भी रक्त के बूंद को जमीन पर नहीं गिरने दिया और रक्त बीज का सारा रक्त पी लिया। इस तरह से रक्त बीज का अंत हो गया। लेकिन उस वक्त माँ काली इतनी क्रोधित हो गई कि उन्हें शांत करना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। माता काली का यह रूप विनाशकारी हो गया था, इसीलिए सभी देवता फिर से एक बार महादेव के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे महादेव, अब आप ही माता काली को शांत कर सकते हैं। लेकिन माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था। तब भगवान शिव ने माता काली के मार्ग में लेट गए और क्रोधित माता काली आगे बढ़ती जा रही थी, और जैसे ही भगवान शिव के ऊपर उनका पैर पड़ा तो वह अचानक से व्याकुल हो उठी और उनका क्रोध शांत हो गया। और इस तरह से भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माता काली के क्रोध को भी शांत किया, जो सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता था। माता काली का रूप कैसा है यह तो आप लोगों ने कई चित्रों में देखा होगा। कई तस्वीरों में तो माता काली भगवान महादेव के सीने पर पैर रखकर रणभूमि में खड़ी हैं, और माता काली भगवान शिव के ऊपर पैर रखने से अचरज में पड़ गई, जिस कारण उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने क्रोध को शांत किया। और उनका रंग काला व नीला है, उनके चेहरे के भाव क्रूर है। आपको बता दें कि माता काली का रूप सभी देवियों में सबसे भयानक माना जाता है। माता के चार हाथ हैं, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में राक्षस का कटा हुआ सर है। यह सर एक बहुत बड़े युद्ध को दर्शाता है, जिसमें माता काली ने रक्त बीज का संहार किया था। बाकी के दो हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हैं। माँ काली कहती हैं कि डरो मत, मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। माँ काली के पास कान की बाली के लिए दो मृत राक्षसों के सर हैं और गले में असुरों के कटे हुए सर की माला है। साथ में ही असुरों के कटे हाथों का बना हुआ वस्त्र है, जिसे माँ काली ने धारण कर रखा है। उनकी जीभ मुंह से बाहर रहती है और रक्त से सनी रहती है। माँ काली की आंखें गुस्से से लाल रहती हैं और उनके चेहरे समेत पूरे शरीर पर खून रहता है। माता काली का मुख तीन बड़े बड़े नेत्रों से युक्त है, जो सूर्य, चंद्रमा व अग्नि का प्रतीक है।
उनके ललाट पर अमृत की तरह चंद्रमा स्थापित है। काले घनघोर बादलों की तरह बिखरे उनके बालों के कारण देवी अत्यंत ही भयानक प्रतीत होती है। इस तरह माता काली शक्ति का रूप है और देवी काली को भयानक देवी माना जाता है, जो सर्वोच्च देवी शक्ति से उत्पन्न हुई है। काली माँ हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। माता काली की महानता माता भगवती की 10 महाविद्याओं में से एक है। माता काली का यह रूप जो नाश करने वाला है, यह रूप उनके लिए है जो दानवी प्रवृत्ति के हैं, जिनमें कोई भी दया भाव लेस मात्र नहीं है। यह रूप बुराई से अच्छाई को जीत दिलाने के लिए है, अर्थात माँ काली अच्छे मनुष्यों को शुभ फल देती हैं और दुष्टों को उनके कर्मों का दंड देती हैं। यूं तो माँ काली की पूजा समस्त भारतवर्ष में की जाती है, लेकिन ज्यादातर माँ काली को बंगाल व आसाम में पूजा जाता है। माता काली के नाम से कई प्राचीन मंदिर विख्यात हैं, जैसे कि उज्जैन का गढ़ कालिका मंदिर, कोलकाता का काली मंदिर, पावागढ़ शक्तिपीठ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दोस्तों, माता काली के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखें।